हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। दोपहर के बज गए हैं 12:30। बच्चों को लेने जाएंगे अब। और आज मैंने बनाई है दाल, अभी बनाई है रोटी, राहुल के लिए नीचे पहुँचा दी। हाँ, बारिश हो रही है, वो बाहर नहीं जा सकता है। नहा ली हूँ, सर धोया है, सुखाया नहीं है अभी। और हाँ, कल मैं एक पैंट सिल रही थी, वो अब जाके मेरी पूरी हुई है। ये देखिए, तो भाई अभी भी रहती है, शाम को पहन के जाना है मुझे सूट को, और अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। बाहर आ रखी है बारिश और गीले कपड़े, मतलब गीले नहीं है, थोड़े से सूखे हैं, इनको अंदर फैला दूंगी क्योंकि मैंने अभी उतारे हैं, अभी बारिश आई है। और आज पता क्या हुआ, एक बात और बताती हूँ। हाँ, जो पैकिंग करनी है वो मेरी अभी हुई नहीं है, वो मैं जब करूँगी तो आपके साथ वो क्लिप मैं शूट करूँगी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, पता नहीं क्या है, मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और एक पैर में इतना ज़्यादा, मैं सुबह से लंगड़ा रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेरा आज का टूर बना, इतने टाइम बाद कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए, और आज ही इसको दर्द होना था। देखिए, फ्रिज पर पेन किलर, मैंने जस्ट अभी एक पेन किलर लिया, खाना खा के एक और लूँगी, नहीं तो इतना ज़्यादा कि मेरे से चला नहीं जा रहा है और मुझे घूमने जाना है। तो ये थी सुबह तक की मेरी बातचीत। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, अपनी पैंट पूरी कर लेती हूँ, सूट पूरा कर लेती हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे तैयारी के लिए कुछ सामान लेने। हस्बैंड के साथ ही जाऊँ क्योंकि पैदल मेरे से चला नहीं जाएगा, तो एक दो सामान लेके आऊँगे और फिर अपनी पैकिंग शुरू करेंगे क्योंकि शाम को निकलना है मुझे 6:30 बजे के आसपास। तो फटाफट मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। बने रहिए मेरे साथ, देखिए मेरा पूरा ब्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ देखिएगा ज़रूर कहाँ जा रही हूँ, और जहाँ जा रही हूँ वहाँ तक का पूरा ब्लॉग बनाऊँगी। तो चलते हैं, दिखाती हूँ अपना पूरा दिन। शाम के बज गए हैं 4 और मैं हो गई हूँ तैयार, नहीं जा नहीं रही हूँ, अभी कर ली है पैकिंग और सूट निकाल के रखा है, छोटी मोटी और तैयारी है। आज दिन में हो रही थी बारिश, मैं बाहर नहीं गई, मुझे कुछ सामान लेके आना था जाने के लिए, तो वो जाऊंगी अब हस्बैंड के साथ और वो खरीद के लेके आऊंगी। उसके बाद मैं दोबारा तैयार होंगी और फिर निकलेंगे। मैं निकलूंगी यही कोई 6:30 बजे के आसपास, अभी 4 है। उससे पहले हाँ, मुझे किचन में आके किचन का काम खत्म करूंगी, खाना वाना बना के जाऊंगी। तो पहले मैं सामान लेके आती हूँ, उसके बाद मैं किचन में लगूंगी। खाना दिया, बना, किचन का काम हो गया खत्म, और 6:30 हो गए, मुझे 6 बजे निकलना था, मैं आधा घंटा लेट हो गई हूँ। तो चलते हैं फटाफट क्योंकि कैब बुक करनी है। पहले जाऊंगी सिस्टर के यहाँ, फिर उसके साथ आगे निकलेंगे, और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो आगे पहुँच के आपसे बात करूँगी। ये लीजिए, हम आ गए हैं ऑटो में, बहुत जल्दी जल्दी आ गए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो हस्बैंड ने छोड़ दिया और हम जा रहे हैं। सारे ट्रैफिक में निकल के टाइम से थोड़ा सा लेट है, सोचे हैं बस का जो टाइमिंग है उस टाइम तक पहले या उससे पहले ही पहुँच जाएँ। तो देखते हैं पहुँचते नहीं पहुँचते, वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, और क्या उसका प्रोसेस है, सारी उसकी डिटेल भी बताऊँगी, और आपको प्रॉपर दर्शन भी करवाएंगे और आपको प्रॉपर ब्लॉग दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, पहुंच गए हैं यहाँ। ये है शिव मंदिर, इसके बाहर आएगी बस और अभी बाकी आने वाले हैं। हम पहले पहुंच गए, मुझे लगता था हम सबसे ज़्यादा लेट होंगे, तो अब बाकियों का वेट करते हैं और बस आएगी जब आप लोगों को दिखाएंगे। ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और ये है मंदिर, और यहाँ से शुरुआत होगी पूजा और आरती के बाद बस की। और ये वो पक्व हैं सारे जो बस में जाएंगे, और आपको एक चीज़ और बता दूँ, चलिए हम बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपनी बहन और भाभी अर के साथ खाटू श्याम मंदिर, और वहाँ से जाएंगे सालासर। प्रॉपर एक बस जा रही है, बस कैसे जाएगी, क्या सिस्टम है, मैं आपको वो दिखाती रहूँगी और सारा दर्शन भी कराऊँगी। बने रहिए मेरे साथ। अभी तक मैंने दिखाया आधे आए हैं, आधे अभी नहीं आए हैं, आप जैसे देख सकते हैं, जैसे जैसे आएंगे बस की टाइमिंग होगी उसी हिसाब से हम करेंगे। ये है शिव मंदिर, आपको करवाते हैं शिव मंदिर के दर्शन। बहुत बड़ा मंदिर है, ये देखिए, ये बाबा की मूर्ति लगी है, और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये रहा ये पंडित जी, और सारी ये मूर्ति लगी है भगवान की, ये देखिए, आप भी हाथ जोड़ लीजिए, कृष्ण जी की हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, और शेरावाली माँ। और इस साइड जाके जो भी बस यात्री दर्शन के लिए जा रहा है उनके लिए यहाँ नाश्ते का प्रबंध भी किया गया है बस के द्वारा। जो नाश्ता दिया जा रहा है मैं आपको अभी दिखाऊंगी,
पहिए हैं। हाँ, ये बस की तरफ से बिल्कुल फ्री है, आप चाहे जितना खा सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और सफाई से बनाया गया। ये देखिए, मैं बोल रही थी बस के द्वारा ये प्रबंध किया जा रहा है, शुद्ध शाकाहारी है। गरम गरम बिल्कुल खाना परोसा जा रहा है, पकौड़े चटनी खीर के साथ और चाय। और कितनी सफाई के साथ खीर भी बांट रहे हैं, देखिए। हाँ जी, कितनी सफाई के साथ आप देख सकते हैं, बिल्कुल टिश्यू पेपर रखे और सफाई के साथ इसका इंतजाम किया गया है। बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बढ़िया, देखो खीर। ये जाने से पहले आरती हो रही है, मैंने आपको बताया था बस चलेगी उससे पहले आरती होगी। महादेव, ये पहुंच गए हम बस के पास। ये देख सकते हैं आप, फुल्ली एसी बस है। अंदर से मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले अंदर जाके अपनी सीट ले लेते हैं, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है देखिए, फुल्ली एसी अंदर से बस। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक सवारी आएगी यहाँ पर, देखिए अभी चल रही है सीट की मारा मारी, देखते हैं कहाँ नंबर आता है। और ये देखिए बस की पूरी सीटिंग अपने आराम से बैठ रहे, एकदम से शोर शराबा सा हो रहा है कि कौन कहाँ बैठेगा। और ये देखिए फुल्ली एसी है, इतनी ठंडी चिल्ड हवा आ रही है। और आप बाहर देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है, पूरा क्लियर दिख रहा है, पूरा कांच का है। तो अब ये जब बस चलेगी तो आपको व्यू दिखाएंगे और आगे बताएंगे। बस चलने से पहले देखिए सबके नाम की लिस्ट चेक की जा रही है सेफ्टी के साथ, अभी चेक करेंगे उसके बाद चलें। सुनीता शर्मा मेरा
ये देखिए ये मिला है कार्ड, ये सबको मिला है बस में। रात के बज गए हैं 10:30, बहुत अच्छी यात्रा जा रही है, भजन गाए जा रहे हैं, नाच रहे हैं, आप देखिए। और इससे पहले भी आपने एक दो क्लिप देखी, अभी जा रहे हैं आगे, रास्ते तक पहुंचने हैं, अभी टाइम लगेगा ज्यादा। आगे जाके जो अगले दर्शन की क्लिप होगी, लाइव होगा या जो भी शूट होगा, मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी। अभी तक के लिए ये था आपका ब्लॉग, उम्मीद करती हूं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज हम गुड नाइट की जगह बोलेंगे जय खाटू की। कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा जय खाटू की, हारे की सहारे की जय।